हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज हम जो टैरो का रीडिंग करने वाले हैं, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और रीडिंग का टॉपिक है राइट नाउ, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। ओके व्यूअर्स, यहाँ जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप उस पर्सन को विजुलाइज करते रहें जिसको भी सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, और रीडिंग के दौरान उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें, कोई भी नेगेटिव विचार अपने माइंड में ना लाएँ। ओके व्यूअर्स, तो यह हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं, फोर ऑफ वांड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ सोर्स, द हेरोफेंट, थ्री ऑफ कप्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पर सारे साइंस अवेलेबल हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर जो नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो हैं 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर एंड 10 नंबर। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं, या फिर इन डेट्स में आप अपने पार्टनर से मिले हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में आपको मिलने जा रही है। तो इन डेट्स पर, इन नंबर्स पर नज़र बनाए रखें और जो कुछ भी आपके जीवन में घटित होता है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, या फिर इन डेट्स में क्या कुछ हो चुका है आपकी लाइफ में ये भी मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो अगर हम सबसे पहले आपकी फीलिंग्स की बात करें ना, तो यहाँ पर आप काफ़ी दुविधा परिस्थिति में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरह से रिएक्ट करें, क्योंकि आपका पर्सन जिस तरह का बिहेवियर आपको दिखा रहा है ना, वो आपकी समझ से भी बाहर होता जा रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन आपको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है, आपके कॉल मैसेजेस की रिप्लाई नहीं कर रहा, आप कॉल करते हैं कॉल काटता है, मैसेज की रिप्लाई नहीं करता, आप इस बात को नहीं समझ पा रहे कि इतना क्यों इग्नोर कर रहा है ये पर्सन। अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, चलते चलते ही इस रिलेशनशिप में इस पर्सन की तरफ से ब्रेक आया है और इस पर्सन ने डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया बिना आपको रीज़न बताए। तो आप इसकी वजह से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म चलाना चाहते थे और आप दोनों ने ही इसके बारे में बहुत सारी बातें की हैं, क्योंकि आपके दिल में भी फीलिंग्स आई, आपके पर्सन के दिल में भी बहुत सारी फीलिंग्स आने लग गई थी। आप दोनों ने भले ही अगर अपने अपने प्यार का इजहार ना भी किया हो, तो भी आप दोनों समझ रहे थे कि आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो इन्हें अल्फाज में बयां करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका माइंड सेट इसी तरह का था, आप और अच्छे से अपने पर्सन को समझना चाहते थे और चाहते थे कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, लॉन्ग टर्म चले ये रिलेशनशिप, आगे चलकर आप दोनों अपनी फैमिली बनाएं, तो आप फ्यूचर देख पा रहे थे एक दूसरे के साथ में। बट सडनली ही इस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया, सारे कॉन्टैक्ट खत्म कर दिए, आपको ब्लॉक करके चले गए, आपके कॉल मैसेज की रिप्लाई करना छोड़ दिए और सोशल मीडिया पर भी ये पर्सन आपको नज़र नहीं आ रहा था। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप बहुत परेशान हो गए। अब आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या थी वो वजहें। तो मैं यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के दिल में भी बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये पर्सन भी आपसे प्यार करने लगे थे, बट प्यार के दुश्मन आप दोनों को शायद एक होते हुए देखना नहीं चाहते थे। तो ये पर्सन के दिल में बहुत सारी गलतफहमियाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिलेशनशिप में क्रिएट की गई हैं, जाने अनजाने आप इन बातों को इग्नोर करते रहे और आपका पर्सन आपसे धीरे धीरे दूर होता चला गया। आपको ऐसा लगा कि ये अचानक से ही आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, बट यहाँ पर ये अचानक से नहीं गए, बल्कि बहुत सारा ऐसा गुब्बार, बहुत सारी ऐसी बातें इस पर्सन के माइंड में डाली जा चुकी थी जिन्हें ये सारी बातें ना आपसे दूर ले गई हैं। तो अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग ही है, धीरे धीरे इस पर्सन को अब मुझे ऐसा लगता है कि रियलाइज़ होने लगा है कि ये जो लोग हैं ना आपके खिलाफ़ इस पर्सन को भड़काना चाहते हैं और इस पर्सन से आपको दूर करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब ये पर्सन आपके खिलाफ़ एक एक वर्ड का बदला लेना चाहता है और आपके खिलाफ़ ये जो लोग बोल रहे थे ना उनको मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर इस पर्सन को डेस्टाइन कनेक्शन आपके साथ में फील हो रहा है। और जब ये पर्सन जान चुका है कि आप इसके सोलमेट हैं, आप इसके ट्विन फ्लेम हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, धीरे धीरे इस पर्सन को भी एहसास हो गया है आपके प्यार का, तो अब ये पर्सन उन लोगों को ना मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में क्रिएट की गई है, जाने अनजाने ये पर्सन समझ नहीं पाया था, बट अब इसे रियलाइज़ हो रही है बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जानबूझकर की गई हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है।
और जब ये बातें सारी जान ही चुके हैं ना ये पर्सन, तो अब हर एक एक इंसान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं आपके खिलाफ। जिसने भी इनके कान भरे हैं, इन्हें भड़काने की कोशिशें की हैं, ये उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स डालने से पहले उन सब से कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो क्लियर करते हुए नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होगा, फिर से वही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ेगा और आप किसी न किसी बंधन में बन सकते हैं। यहाँ पर विक्ट्री आपकी होगी, आपका पर्सन खुद चलकर आपको प्रपोज कर सकता है, आपकी तरफ आ सकता है। यहाँ पर अगर आपने होप्स खो दी है ना, तो ये पर्सन की तरफ से होप्स आती हुई नज़र आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और कितना रेजोनेट की है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।